जय जिनेन्द्र, जय महावीर। तत्व ज्ञान के कई विषयों में जैन मुनियों ने, तीर्थंकरों ने, बड़े बड़े संत महर्षियों ने काफी चिंतन किया है। ऐसा एक विषय है सुख और दुख। ये एक ऐसा विषय है जिसको स्पष्ट रूप से समझना बहुत जरूरी है। सुख क्या है, दुख क्या है, ये जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक चाहे सुख के लिए हम कितने भी भटकते रहे सुखी नहीं हो पाएंगे, और दुख से कितने भी घबराते हुए भागे लेकिन दुख हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। हमें यह समझ लेना चाहिए कि वास्तव में सुख दुख क्या चीज है। सुख और दुख ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई पदार्थ नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, यह कोई परिस्थिति नहीं है, यह एक मन की अवस्था है। बहुत सारे सुख के साधन होते हुए भी कोई व्यक्ति दुखी हो सकता है, और ऐसी भी व्यक्ति हमें देखने मिलेगी जिंदगी में जिसके पास बाह्य सुख के कोई साधन नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति बड़ी मस्ती के साथ, सुख के साथ जीवन जीता होगा। इसका मतलब यह है कि सुख और दुख किसी वस्तुओं के साथ जुड़ी हुई चीज नहीं है, ये तो एक हमारे मन की अवस्था है। यदि हमें हमारे मन को ठीक रूप से मोड़ देना आ गया तो कैसी भी परिस्थितियों में हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, और यदि हमारे मन को हमने ठीक ढंग से मोड़ नहीं दिया तो कितने भी सुख के साधन मिल जाए, कितनी भी अनुकूलताएं मिल जाए, कितने भी प्रिय स्वजन मिल जाए, फिर भी हम दुखी ही होते रहेंगे, दुखी ही होते रहेंगे और शिकायतें ही करते रहेंगे। आज ज़्यादा करके हम देखने जाएंगे दुनिया में शिकायत करने वाले लोग ज़्यादा देखने मिलते हैं। इसने मेरा ऐसा बिगाड़ दिया, इसने मेरा बर्बाद कर दिया, इसने मुझे दुखी कर दिया। अरे भाई, कोई तुझे नहीं दुखी करता है, तुझे दुखी करने वाला तू खुद है, और तुझे सुखी भी कोई नहीं कर सकेगा। यदि तुझे सुखी नहीं होना है तो, तुझे सुखी होना है तो अपने आप में तू ही तुझे सुखी कर सकता है। और इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं, अप्पा तुममेव तुम मित्तम किम बहियाओ मित्तमिच्छसी। हे आत्मा, तू ही तेरा मित्र है, तू ही तेरा सुख का कारण है, बाहर से कोई किसी मित्र की आशा तू क्यों रखता है। अपने आप को संभाल ले, अपनी आत्मा में चला जा। सुख और दुख को वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, परिस्थितियों के साथ जोड़ने की बजाय अपनी मन की अवस्था को संभालो तो सुख तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। सुखी होने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, सुख तो हमारा खुद का स्वभाव है। हम अपने स्वभाव को प्रकट करें और सुख की सच्ची अनुभूति हम प्राप्त करें, यही तो बुद्धिमत्ता है। और ऐसी बुद्धिमत्ता आप में और मुझ में प्रकट हो जाए, यही भगवान तीर्थंकरों के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।